दोस्तों, सोशल मीडिया पर आए दिन उटपटांग हरकतों की वीडियोस वायरल होती रहती हैं और उनमें से कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी नहीं रुक पाती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही वीडियोस लेकर आया हूं मैं आपके लिए और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस मजेदार वीडियो को देखिए जिसमें ये मोहतरमा इन महाशय के कैमल फॉर्म को विजिट करने आती हैं और मोहतरमा को ताजा दूध पिलाकर शायद अंकल जी इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनके शैतान ऊंट को इस बात की भनक लगी तो उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने अंकल जी की पीठ पर एक जोर से लात दे मारी। लगता है ऊंट अंकल जी को यही कहने की कोशिश कर रहा था कि ओए अंकल, ज्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो और अपनी उम्र का लिहाज करो। और गया। दोस्तों, इजराइल के एक चैनल 13 के कुकिंग शो में इतनी सारी वैरायटीज देखकर इस खूबसूरत मोहतरमा से खाए बिना रहा नहीं गया। वो बार बार खाने की कोशिश करने लगी थी और लगता है कि खाने की चाहत में ये लड़की शायद ये भूल गई कि ये लाइव टीवी शो में खड़ी है और आखिरकार लड़की इस खाने को खा लेती है, लेकिन उसका टेस्ट इतना घटिया होता है कि वो चुपके से निवाले को अपने मुंह से नीचे गिरा देती है और बाकी बचे हुए टुकड़ों को भी टेबल पर चुपचाप रख देती है। गजब हो यार। दोस्तों, अब मिलिए झरना रिपोर्टर से। अब इनका नाम झरना क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि इस मोहतरमा में ऐसी सुपर पावर्स हैं कि वो कहीं भी कभी भी झरने से पानी बहा सकती हैं। दरअसल चैनल 5 की न्यूज रिपोर्टर एक बार ठंड के मौसम में रिपोर्टिंग करने के लिए बाहर आई हुई थी, लेकिन ठंड के मारे लाइव रिकॉर्डिंग में नाक झरने की तरह बहने लगी और ये रिपोर्टर अपने काम में इतनी खो चुकी थी कि इसे इसके बारे में पता ही नहीं चला कि इनका झरना माइक तक पहुंच चुका है। दोस्तों, कई लोग इंटरव्यू में इतनी बचकानी हरकतें कर देते हैं कि उनके आसपास खड़े लोग भी शर्मिंदा हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार रेड कार्पेट पर डेविड नाम के टेलीविजन डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तब उन्होंने ऐसी हरकत की कि रिपोर्टर भी शर्मा गए। आप ही देख लीजिए। जी हाँ, इस महाशय ने रिपोर्टर के हाथ से माइक लिया और जोर से बॉम्ब फोड़ दिया। अरे भाई साहब, भले ही आपने समोसे कचौड़ी पकौड़े खाए होंगे, लेकिन ये बॉम्ब फोड़कर लोगों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो यार? जरा सोच समझ कर किया करो कुछ भी। दोस्तों, शक्ल सूरत से ही पके हुए इस आदमी को किसी ने रिपोर्टर बना दिया था। नहीं मतलब, कुछ भी नहीं आए तो हाथ में माइक पकड़कर रिपोर्टिंग के लिए निकल जाओ, बस और क्या। ऐसा तो नहीं होता ना, लेकिन जब कड़ी मशक्कत के बाद जनाब रिपोर्टिंग करना शुरू करते हैं तो पीछे खड़ा आदमी अजीब सी शक्ल बनाकर नाचने लगता है। लेकिन जब रिपोर्टर सरजी इस आदमी को माइक में बोलने के लिए बुलाते हैं, तब भी इस आदमी की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। बड़ा बेशरम आदमी है यार ये। दोस्तों, जरा इन मोहतरमा से मिलिए, कैसे ये बड़े प्यार से अपनी चेयर के साथ डांस करना सीख रही हैं। लेकिन जरा एक मिनट रुको यार, आपको क्या लगता है कि ये कुर्सी इस लड़की का वजन उठा पाएगी? कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। अब देख ही लेते हैं क्या होता है। अरे रे रे रे, इनके वजन से तो कुर्सी की चारों टांगे चौड़ी हो गई यार, और इसने अपना दम ही तोड़ दिया। लगता है आज के बाद कुर्सी वाला डांस तो नहीं करेंगी ये मोहतरमा। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं आइसक्रीम खाने का एक अनोखा तरीका जिसने इस महिला को शर्मिंदा कर दिया। दरअसल ये लोग अपने दोस्त के साथ आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर आए थे। इस लड़की को आइसक्रीम का फ्लेवर इतना पसंद आ गया कि ये एक ही जगह से आइसक्रीम को खाती रही और इसकी जीभ आइसक्रीम से चिपक गई। खैर, इस आदमी ने बड़ी समझदारी से पानी डालकर इनकी जीभ को आइसक्रीम से अलग कर दिया, लेकिन ये बात तो तय, इसके बाद ये लड़की कप वाली आइसक्रीम ही खाएगी। दोस्तों, न्यूज चैनल पर लाइव डिबेट के दौरान कई लोग अपना आपा खो बैठते और ऐसी बचकानी हरकतें कर बैठते हैं जिसके लिए उन्हें जिंदगी भर शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे ही एक शर्मिंदा करने वाला मोमेंट इंडिया न्यूज चैनल पर हुआ, जहां दुनिया भर में लोकप्रिय स्वामी ओम और धर्मगुरु दीपा शर्मा के बीच राधे माँ को लेकर डिबेट चल रही थी। लेकिन स्वामी ओम की बातों से दीपा जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने लाइव टीवी में ही स्वामी जी को एक थप्पड़ प्रसाद के रूप में दे दिया। स्वामी ओम भी कहां कम थे यार, उन्होंने भी आओ देखा ना था और लाइव टीवी पर महिला को थप्पड़ मारने लगे। अब समझ नहीं आ रहा था कि ये डिबेट थी या फिर थप्पड़ मार कंपटीशन। दोस्तों, आपके भी कुछ ऐसे मजेदार दोस्त होंगे जो आपका टिफिन बॉक्स खा जाते होंगे।
जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि यार ये दिन भर भूखा ही रहता है क्या। लेकिन अब हम आपको इस दुनिया के टॉप लेवल के भूखड़ लोगों से मिलवाने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तानी नेता संवाद कुरैशी जब किसी रोड का उद्घाटन करने जाते हैं तब वहां पर रोड जैसी डिजाइन वाली एक बड़ा सा केक मंगवाया जाता है और वीडियो में दिख रहे लोग रोड उद्घाटन की खुशी में नहीं बल्कि केक खाने के लिए वहां आते हैं। जी हाँ, लेकिन जैसे ही कुरैशी साहब केक कट करते हैं ये लोग जंगली जानवरों की तरह केक पर टूट पड़ते हैं और कुछ लोग तो जमीन पर गिरा केक भी उठाकर खाने लग जाते हैं। अरे भाई, ये वीडियो देखकर तो मुझे क्या बताऊं यार, बड़ा अजीब लग रहा है, क्या ही कहूं आपको। दोस्तों, जब कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत चाइना में हुई थी उस वक्त एक पाकिस्तानी रिपोर्टर इन अंकल जी के पास चाइना के बारे में बातचीत करने पहुंच गया और अंकल जी से बातचीत करने लगा। तो अंकल जी ने वायरस आया है चाइना में, ये लोग डर रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान में ना आ जाए, तो इस मुतलिक आप क्या कहते हैं? इस सारा चाइना के लिए बहुत लोगों ने हमको बोला जब इंटरव्यू देता है चाइना के लिए दुआ करो। चाइना के लिए क्या दुआ करे, वो जालिम लोग ना गधे का गोश्त छोड़ता है, सारा बिल्लियों को जालिमों ने मारा है, इस लोगों के लिए क्या दुआ करे, सारा सादारों को इलाल करता है, कबाब करके खाता है, इस लोगों के लिए रात दिन दुआ करो, ये दुआ कबूल नहीं होएगा। सारे जानवरों का बदवा ने जालिमों को पकड़ा है, वो दो टांग वाला चार टांग वाला कुछ नहीं छोड़ता है, न कुत्ते का गोश्त छोड़ता है न सांप छोड़ता है। तो दोस्तों, क्या अंकल जी ने ये बात सच कही? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दादी माँ इस बड़े से तरबूज को काफी मेहनत से कट कर रही थी, लेकिन तरबूज बड़ा ही सख्त था जिसमें छुरी फंस चुकी थी और दादी जी की सब्र की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन तभी दादी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे जोर से उठाकर टेबल पर दे मारा और टेबल ही टूट गई और ये तरबूज दादी जी के लिए बहुत ही महंगा पड़ गया यार। दोस्तों, नेताओं को देर से आने की आदत होती है ताकि लोगों को लगे कि हाँ यार, नेताजी बड़े काम के हैं, बहुत बिजी रहते हैं। और उसी तरह यहाँ पाकिस्तानी मंत्री साहब रिपोर्टर्स को बुलाकर 2 घंटे लेट पहुंचे और इसके बाद जो रिपोर्टर ने किया आप खुद ही देख लीजिए। बाकी दोस्त भी जो है तकरीबन 2 घंटे से हम खड़े हैं, जिलम में करप्शन जो है वो बेसहारा है, लूट मार का बाजार गरम है, तमाम सरकारी अफसरान वेलफेयर की बात में यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने हमें टाइम नहीं दिया, हमें देर बहुत की है, इसलिए हम भाई काट कर रहे हैं। अब नेताजी की ऐसी बेइज्जती तो आपने कहीं नहीं देखी होगी। दोस्तों, आजकल दूल्हा दुल्हन एंट्री के लिए अलग अलग ट्रेंड फॉलो करते हैं, कोई गाड़ी से एंट्री करता है तो कोई बाइक से एंट्री करता है। लेकिन दोस्तों, हमारे साजिद मियां तो कुछ अलग ही करना चाहते थे, इसीलिए आ गए महाशय भाड़े पर ऊंट लेकर। जैसे ही ऊंट पर सवार होकर मैरिज हॉल में एंटर करने लगे तब पहले से ही इन्हें सिर उठाकर नहीं, सिर झुकाते हुए ऊंट पर लेट कर अंदर आने की कोशिश करनी पड़ी। फिर भी उनके ऊंट और उनकी मोटी तोंद ने मैरिज हॉल का एंट्रेंस गेट ही उखाड़ दिया यार, और क्या। और फिर ऊंट ने भी दूल्हे राजा को नीचे गिरा दिया। लगता है ऐसी एंट्री कोई कभी नहीं भूल पाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियोस कैसे लगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।